Hello, dear students, you are most welcome to your own channel, Ark English Oracle, and I am here to deal with some interesting pieces of the new chipper, The Hindu. Dear students, I invite all of you to join me so that I can share some good pieces of knowledge with all of you. Dear students, what's up for you? Just History, I invite all of you to join me so that I of so, knowledge with all of you. Dear students, what's up? Are you? These okay. students, I want all of you to be with me Distance. Hello guys you just wait for only two minutes and I am here with all of you. so guys, as you can see on the screen there is a copy of the new chipper, the Hindu. And I would like to go through a piece of news which can be interesting and in knowledge-enhancing as well. A copy of the newspaper, the Hindu... Hi, Vivek Yadav, Subham Verma, Pankaj Maurya, Neeraj like Yadav, Manish Kumar, Mahendra Yadav, Sachin Kumar. Please stay live. Please stay live with me. I am going to share... With all of you, very very interesting words, some interesting sentences, which can help you a lot. I am just crawling so that I can have very interesting. execution will be critical for the strategic disinvestment policy unveiled in the budget. आपको बजट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लेके आ रहा हूँ मैं और ये आपके सामने है बजट. हेलो हेलो रॉक विशाल दीपू चौहान खुशबू पटेल शिवम महेंद्र प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइव होने की कोशिश करिए बहुत मज़ा आएगा आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा इन फ्रंट ऑफ यू एज ऑफ न्यूज़ एंड एडिटोरियल बिलेटेड बट बोल्ड आप इसको नोट कर सकते हैं बिलेटेड बट बोल्ड अरे वाह अनिल जी कैसे हैं आप आर यू अनिल अनिल भाई आप कैसे हैं आर यू रॉक विशाल बस न्यूज पेपर पढ़िए रिलेटेड बट बोल्ड रिलेटेड का मतलब होता है देर से देर से बट बोल्ड लेकिन साहसिक यानी जो भी आपने एक्शन लिया है वो देर से लिया लेकिन साहसिक एक्शन लिया है पूरा हिम्मत से एक्शन लिया है पूरी साहस दिखाते आपने इस एक्शन को प्यारे बच्चों बहुत मजा आने वाला है आपको देखते रहिए आप एंजॉय करेंगे लेट्स स्टार्ट द एडिटोरियल न्यूज पेपर थोड़ा सा अब देखते हैं एग्जीक्यूशन जो वर्ड आपके सामने आ रहा है एग्जीक्यूशन इसका मतलब होता है किसी भी देखो कई मीनिंग इसके होते हैं मैं एग्जीक्यूशन को आपको क्लियर कर दूं एक सीट और खोलता हूँ आप तो कर देंगे एक मोमेंटम आपका बना रहेगा आई प्रोमिस दई विल शेयर मैनी गुड वर्ड्स विद ऑल ऑफ यू सेंटेंस की एक अंडरस्टैंडिंग होगी फ्रैक्चुर अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी ये कोशिश आपके साथ मिलकर मैं करता हूं जैसे एक वर्ड आपके सामने आया यहाँ पे बिलेटेड आज की डेट डाल लीजिए आप वर्ड्स नोट करिए बिलेटेड मतलब होता है देर से और दूसरा वर्ड आपका यहाँ पे बोल्ड तो बोल्ड के लिए कई शब्द आप ले सकते हैं बोल्ड का आपका हो सकता है ब्रेव हालांकि यूज में डिफरेंस आएंगे फियरलेस यस 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 नमस्ते अजय यादव रॉक चाल न्यूज़ पेपर चल रहा है बताएं कितना पढ़ना पड़ेगा अभी तो यार पढ़ना कितना पड़ेगा इसका तो क्वेश्चन मैं समझ नहीं पाया कि क्या है लगातार दो घंटे न्यूज़पेपर पढ़िए ये तो फिर कोई बात ही नहीं हुई एक वर्ड और आपको मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ एग्जीक्यूशन ये एग्जीक्यूट क्रिया से बना हुआ है एग्जीक्यूट के कई मीनिंग होता है एक मीन्स होता है अगर हम देखें तो इम्प्लीमेंट करना यानी पुट इन फोर्स यानी क्रियान्वयन करने के सेंस में आता है क्रियान्वयन करना एक और एंगल इसका बनता है सिचुएशन के आधार पे जो होता है हैंग करना फांसी देना ऐसे में एग्जीक्यूशन जो है वो जब भी टी आई ओ एन आई ओ एन शब्द जुड़ेगा तो ये नाव बन जाएगा इसके भी दो हिंदी पढ़ेंगे या तो सीधे क्रियान्वयन या दूसरा मीनिंग पढ़ेंगे इसका फांसी दूसरा मीनिंग क्या पढ़ेंगे इसका फांसी प्रशांत यादव मोस्ट वेलकम बच्चों जितने भी हैं वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइव आइए और सुनने की कोशिश करिए थोड़ा टाइम दीजिए मैं वादा करता हूँ आप इन्जॉय करेंगे बस लाइव आने की कोशिश करिए चलिए आगे देखते हैं कुछ और वर्ड्स को लेते हैं इसी में से अब इसमें क्या कहा एग्जीक्यूशन आपका यहाँ पे क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया विल वी यानी होगा यानी क्रियान्वयन होगा क्रियान्वयन कैसा होगा इसका एडजेक्टिव दिया क्रिटिकल बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और किस लिए होगा टेजिक डिसन्वेस्टमेंट यानी स्ट्रैटिक रणनीतिक रणनीतिक और डिस इन्वेस्टमेंट जो नाउन है यहां पर वह है विनिवेशनिवेश निवेश का उल्टा होता है विनवेश पॉलिसी नीति तो रणनीतिक विनिवेश नीति और इसका एडजेक्टिव फ्रेज आपका यहाँ पे यह दिया है ऐसी नीति विस टाइप ऑफ पॉलिसी गया अनवेल्ड इन द बजट जिस नीति को बजट में अनवेल किया गया यानी इसका शुरुआत की गई इसको लॉन्च किया गया अनवेल के मतलब पर्दा हटाना भी होता है शाप्दिका मीनिंग लें लेकिन कोई स्कीम है कोई पॉलिसी है उसको शुरू करने के लिए स्टार्ट से भी पढ़ सकते हैं आप इसको आप चाहें तो इसको लॉन्च से पढ़ सकते हैं या जिसे पहली बार सामने लाया गया प्रजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बजट इन दैट सेंस ऑल्सो यू कैन गो है ना यू कैन ड्राइव आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनवेल्ड एंड लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ़ द सेंटेंस हियर एग्जीक्यूशन इज अ सब्जेक्ट हियर सब्जेक्ट एज इट इज ऑबियस इट इज अ नाउन एंड विल बी यहाँ पे एज ए वर्ब है फ्यूचर के सेंस में यहाँ पे लिखा है कि जो क्रियान्वयन होगा वो आने वाले समय में क्रिटिकल यहाँ पे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होगा और किस लिए होगा तो यहाँ से जो फॉर द स्ट्रेटजिक डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ये आपका यहाँ पे एडवरवियल फ्रेज है और इस एडवरवियल फ्रेज में आपका जो पॉलिसी नाउन है उसके साथ एक एडजेक्टिवल फ्रेज जुड़ा हुआ है इट यूजली हैपन्स दैट वेन एवर यू हैव अ फ्रेज इस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज एडवर्व फ्रेज नाउन फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज इफ इट इज कैरिंग अ नाउन इट कैन हैव again some adjectival phrases or adjective clauses so this system goes on and those students who are unable to read the new chapter carefully they need to understand these structures which are very much carefully explained on this platform today i am just letting you know that if you are going through the new chipper, you should uh, have, you, you, you have two or three tasks one you have to drive out the meaning of the sentence another you have to understand the structure of the sentence you have to ascertain various parts of speech used in the sentence let's move on dear students let's move on let's go into the details the government's pending plans is your subject और सब्जेक्ट का वो क्या हिंज ऑन सरकार की खर्च की योजनाएं और योजनाएं कब कब समय के लिए तो ये टाइम एडवियल है कब के लिए 2021 22 के लिए सरकार के खर्च की जो योजनाएं है आज सोचो जो स्पेंडिंग प्लान है वो हिंज ऑन तो असली सब्जेक्ट आपका यहाँ पे प्लान है स्पेंडिंग प्लान का एडजेक्टिव है गवर्नमेंट भी तो क्योंकि

इंज के साथ इंज ऑन रिलाईन बैंक ऑन डिपेंड ऑन समथिंग कभी कभी इनमें अपॉन भी देखने को मिलता है समथिंग किसी चीज पर किसी चीज़ पर निर्भर होना बच्चे कहते हैं कि हमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेल करने हैं तो मैं और मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर एग्ज़ाम के क्वेश्चन सेल करना है तो आप ये हिज ऑन रिलाई ऑन बैंक ऑन डिपेंड ऑन सब के सब एग्ज़ाम में आ चुके हैं सबको आपको याद करना चाहिए था लेकिन आप इनको याद नहीं करेंगे छोटी छोटी चीज़ें जिनको याद नहीं करेंगे बस हम लोग एक बात बराबर करते रहते हैं कि यार एग्ज़ाम की तैयारी करना एग्ज़ाम की तैयारी करना आई फेल टू अंडरस्टैंड विस टाइप ऑफ प्रिपरेशन यू वॉन्ट मुझे तो ये लगता है कि जो एग्ज़ाम की तैयारी है ना वो बेसिकली आप अगर धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते जाएँ रेगुलर पढ़ते जाएँ तो यू कैन बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर टारगेटेड एग्ज़ाम अब यहाँ पे देख लें आप हिंज ऑन तो सरकार के जो स्पेंडिंग प्लान है वो निर्भर करते हैं ऑन बेटर कंप्लायस अब कुछ फ्रेज एक साथ जुड़ते हैं बेटर कंप्लायंस इतना पढ़ लो कंप्लायंस किसकाशन so होता है अच्छा पालन करना अच्छा इसी चीज का compliance होता है कंप्लाई से बनता है देखो इसमें और आपका नॉलेज बढ़ाते हैं कंप्लाई क्रिया को देख लें आप एक क्रिया आती कंप्लाई वेद एड ही टू स्टिक टू कन्फॉर्म टू और ये सब एग्जाम पॉइंट है सब के सब एग्जाम पॉइंट है बच्चों सब एग्जाम में आ चुके हैं आप माने या ना माने लेकिन सब एग्जाम में अगर आप इसके साथ जाते हैं कंप्लाई विद एड टू स्टिक टू कन्फॉर्म टू अवाइड बाई एक और ले लीजिए यहाँ पे एक और आए अवॉइड अब ये सब के सब जो हैं इनका मतलब होता है किसी नियम कानून या व्यवस्था का पालन करना इस सेंस में आता है तो अब आप यहाँ पे कंप्लाई जो हमने ऊपर टॉप पे लिखा है इसी से बनता है नाउन कम्पलायंस तो क्या हो गया ये भी चीज़ का पालन करना तो so बेटर जोड़ दिया अगर और अच्छे तरीके से पालन करना बेटर so कम्प्लायंस की मीनिंग क्या होगी और अच्छे तरीके से पालन करना बेटर कम्प्लायंस क्या होगा बच्चों और अच्छे तरीके से पालन करना तो ये बेटर कम्पलायंस जो है बच्चों और ज़्यादा संख्या में लाइव करवाइए आपको बहुत ही अच्छी जानकारियां देने जा रहा हूं और ये बच्चों में शेयर करिए सब वीडियो जाने चाहिए ताकि बच्चे जो तैयारी करते हैं इंग्लिश में उनकी प्रॉब्लम उनको सीखना चाहिए कुछ ना के लिए अब यहाँ पे देखें तो एक इन्होंने क्या कहा कि सरकार की जो स्पेंडिंग प्लान हैं वो निर्भर करती हैं और बेहतर कंप्लायंस पर लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शंस पर पे किस पे किस पर निर्भर करते हैं तो बेटर कंप्लायस लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शन ये अलग है यानी टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने पर एंड और एन एम्बिश प्लान और एक महत्वाकांक्षी योजना एन एम्बिश प्लान एक महत्वाकांक्षी योजना अब वो योजना कैसी जब भी आप किसी नाउन के बाद जैसे कोई नाउन आता है अगर आपने नाउन कोई ले लिया मान लीजिए एक नाउन लिया आपने इसके साथ आपने सवाल किया विश टाइप ऑफ विश टाइप ऑफ से आपने क्वेश्चन किया विश टाइप ऑफ नाउन और इसके सवाल इसके जवाब में आपको अगर यहाँ पे वर्ड मिला वो होगा एडजेक्टिव कई वर्ड्स मिले एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला तो एडजेक्टिव एडजेक्टिवल फ्रेजेस तो अगर आपका सेंटेंस ही मिल गया है तो मिल जाए इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज एक सिंपल फंडा कि नाउन कैसा विच टाइप ऑफ नाउन कैसा नाउन तो अगर कैसा आपने सवाल किया कैसा नाउन उसके जवाब में अगर वर्ड्स मिलते हैं तो एडजेक्टिव ग्रुप ऑफ वर्ड मिलता है तो आपका होगा ग्रुप ऑफ वर्ड मिलता है तो एडजेक्टिवल फ्रेज है ना और सेंटेंस मिलते हैं तो एडजेक्टिव क्लॉज अब जरा देखना है, इसमें ध्यान से समझिएगा आप लोग बहुत केयरफुली तो इसमें लिखा कैसी एंबिश प्लान टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू यहां से टू रेज नॉन टैक्स रेवेन्यू है यानी कैसी योजना कैसी योजना नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने वाली नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने वाली योजना पर भी सरकार की स्पेंडिंग प्लान निर्भर करती है अब एक चीज़ ज़रा समझना बहुत जल्दीबाजी मत करना अगर आपको ठीक से चीजें समझना है आपका जो सब्जेक्ट था गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लान उसका कनेक्शन किससे? उसका कनेक्शन क्रिया से है हिंज़ ऑन हिंज के बाद बेटर कंप्लाइंस, लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शन से भी उसका संबंध है क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है वो किस पर निर्भर है तो वो इन चीज़ों पे पर निर्भर है बेटर कंप्लायंस पर लिफ्टिंग टैक्स कलेक्शन पर और उस महत्वाकांक्षी योजना पर कैसी योजना नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने वाली गैर कर राजस्व ये इकोनॉमी के टर्म है गैर कर राजस्व गैर कर राजस्व को बढ़ाने वाली योजना तो ये जो प्लान है आपका करना हो, उसके साथ एक एबजेक्टिव फ्रेज लगा हुआ है यही एब्जेक्टिवल फ्रेज होते हैं इनको जिस दिन भी पहचानने लगोगे आप आपको सेंटेंस पढ़ने में सुविधा होगी और जब तक ये सब आपके पास कंफर्टेबल नहीं होंगे आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी बेटा ये आप मान लीजिए आगे देखें थोड़ा और लड़ते हैं फाइनेंस मिनिस्टर देखो एक ग्रामर पॉइंट में यही बोलता हूँ आप लोगों से ये पदनाम है वैसे तो पदनाम पे आर्टिकल दा आता है लेकिन अगर कोई पदनाम किसी प्रॉपर नाउन के पहले हो तो उस पर आर्टिकल दा आता है क्या नहीं आता है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं किया गया जैसे एक क्वेश्चन आपको समझाते हैं इसमें। मान लीजिए आपको अगर ये लिखना है सेंटेंस मान के चलो आपने एक सेंटेंस लिखा कि सम पीपल मेट और आपने फिर लिख दिया सीधा फाइनेंस मिनिस्टर अब एक ही गलती इसमें कि यहां पे आर्टिकल द आना चाहिए यहां पे क्या दा आना चाहिए आर्टिकल द आना चाहिए क्योंकि कोई भी पदनाम जब होता है तो आर्टिकल द के साथ आता लेकिन यही पदनाम अगर प्रॉपर नाम के पहले हो तो फिर इस पे आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करते हैं बहुत छोटी छोटी चीजें सीखना है बच्चों हैं यहाँ पे देखो आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड ने अनाउंस किया है क्या अनाउंस किया सब्जेक्ट है निर्मला सीतारमन हैजनाउंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है अनाउंस्ड आपकी मेन वर्ब है ट्रांजेटिव वर्ब है तो ट्रांजेटिव ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए ऑब्जेक्ट यह लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है निर्मला सीतारमन ने बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन को घोषित किया मोनेटाइजेशन होता मुद्रीकरण डीमोनेटाइजेशन होता विमुद्रीकरण ये आपने डीमोनेटाइजेशन तो बहुत सुना होगा क्योंकि वो आप नोटबंदी हुई थी तो बहुत चला था वो तो जब डीमोनेटाइजेशन होती तो मार्केट से नोट निकाले जाते हैं मोनेटाइजेशन जब होता है तो मार्केट में नए नोट डाले जाते हैं इसी को बोलते हैं लार्ज स्केल मोनेटाइजेशन बड़े पैमाने पर नकदी को मार्केट में लेके जाना तो निर्मला सीतारमन ने घोषित किया कि वो नोट मार्केट में लेके जाएंगी और ये मोनेटाइजेशन किसका किसका करेंगे है ना? ये करेंगे ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर असेट्स का अब आपका मोनेटाइजेशन ना नाउन है कैसे पता चला एक तो ऑब्जेक्ट है इसलिए पता चला एक टी आई ओ एन है इसलिए पता चला और जब नाउन के बाद कभी भी ध्यान रखना किसी भी नाउन के बाद अगर आपने प्रापोजिशन से इंफॉर्मेशन डाली है ये और ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसके जवाब में हो विच टाइप ऑफ नाउन विच टाइप ऑफ तो समझ लेना कि ये जो है वो इस नाउन का क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है क्या बच्चों एडजेक्टिव फ्रेज इसीलिए ज़्यादातर देखा जाता है कि जब नाउन के बाद प्रापोजिशन नाउन हो तो हिस्सा जो है वो एडजेक्टिव फ्रेज माना जाता है यानी वो इसकी विशेषता बताता है जैसे आपने सिंपल लिखा अगर मान लीजिए आपने लिख दिया प्रोमिस ऑफ मान लीजिए आपने लिखा द गवर्नमेंट अब आप इससे सवाल करोगे कैसे वादे विच टाइप ऑफ प्रोमिस ऑफ द गवर्नमेंट जवाब आएगा और विच टाइप ऑफ का जवाब जब आता है तो वो क्या निकलते हैं एडजेक्टिव 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 फ्रेजेस या क्लॉज यही आप monetization से सवाल कर लो एक बार विच टाइप ऑफ मोनिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर असैट का गवर्नमेंट सेक्टर असैट्स के मोनेटाइजेशन का इसका फायदा क्या मिलने वाला है जब आपको ये पता है कि इस नाउन के साथ एडजेक्टिव फ्रेज है आपको पढ़ने में आसानी होगी प्लस ये पता है कि इसकी जानकारी जो भी है वो इससे जोड़ना है तो निर्मला सीतारमण ने घोषित किया बड़े पैमाने पर मोनेटाइजेशन को जो सरकारी क्षेत्र के जितने असेट्स हैं उसका किया जाना है और उसमें एक चीज़ और उन्होंने जोड़ दी इंक्लूडिंग वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड और व्यापक जो भूखंड है या भूमि है उसका भी मोनेटाइजेशन किया जाएगा एंड इज बैंकिंग ऑन दिस इनवेस्ट दिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स ऑफ वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ और ये जो है बैंक ऑन करना वही निर्भर होना फिर एक बार बैंक ऑन जैसे हिंजॉन आया था यहाँ पर वही बैंक ऑन और ये निर्भरता रहेगी डिस इन्वेस्टमेंट रिसीट्स पर यानी जो विनिवेश से निकला हुआ पैसा है वन पॉइंट सेवन फाइव लैख करोड़ इस पर निर्भर रहेगी दिस इस इंक्लूड्स इसमें शामिल क्या क्या है दिस इंक्लूड्स लाइकली इन फ्लोज लाइकली का मतलब यहाँ है पढ़ोगे संभावित लाइकली का मीन्स क्या होगा संभावित इसमें शामिल है संभावित इन्फ्लो इन्फ्लो होता है अंतर प्रवाह फ्रॉम द स्ट्रेटिक सेल ऑफ एंटिटीज रणनीतिक बिक्री होगी एंटिटीज की जो असेट्स हैं इंडियन गवर्नमेंट की टचेज एयर इंडिया जैसे कि एयर इंडिया का और बी का कैरीड फॉरवर्ड फ्रॉम दिस इयर्स प्लान और ये दिस इयर्स प्लान से आगे जाएगा जो इस साल के प्लान है उससे भी आगे इसको ले जाया जाएगा कैरीड फॉरवर्ड होगा आगे होगा आगे देखेंगे इसमें कुछ वर्ड्स द लिस्टिंग ऑफ एल आई को भी सूचीबद्ध करना कुड भी कंप्लीटेड ये पूरा हो सकता है as well ये भी भी का भी कसन देगा well ये भी पूरा हो सकता है विद नेसेसरी अमेंडमेंट जरूरी सुधार के साथ नेसेसरी अमेंडमेंट को एक साथ क्या लिख दोगे जरूरी सुधार जरूरी सुधार नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस बिल फाइनेंस बिल में एंड दैट अलोन और ये केवल अकेले दैट अलोन केवल अकेले फुड बोलस्टर मजबूत कर सकता है बोलस्टर का मतलब स्ट्रेंदेन करना एस टी आर ई एन जी टी एच ई एन ये अकेले मजबूत कर सकता है द रेवेन्यू किटी राजस्व खाते को किटी मतलब जो होता है जैसे छोटा बैग हो सकता है या कोई यहाँ पढ़ेंगे राजस्व खाते को मजबूत कर सकता है राजस्व का जो भंडार है उसको मजबूत कर सकता मोस्ट सिग्निफिकेंट इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है आवर इज द न्यू स्ट्रेटेजिक डिसन्वेस्टमेंट यह नए तरीके का जो विनिवेश नीति है और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ये विनिवेश नीति किसके लिए है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज एंड द प्रोमिस और एक प्रोमिस है कैसा प्रोमिस किस टाइप का प्रोमिस टू प्राइवेटाइज टू पब्लिक सेक्टर बैन दो सार्वजनिक बैंक uh, हैं उनको प्राइवेटाइज करना उनको निजी बनाना उनका निजीकरण करना एंड अ जनरल इंश्योरेंस कंपनी इन द ईयर और साथ में जनरल इंश्योरेंस कंपनी का भी प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया सरकार चलाने जा रही है दो राष्ट्रीय बैंक जो है प्राइवेट करेंगे और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी जी आई सी को द पॉलिसी प्रोमिस्ड इस पॉलिसी में जैसा कि प्रॉमिस किया है एज पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज ये जो पॉलिसी आई है डिसन्वेस्टमेंट की आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एक तरह का प्रॉमिस के रूप में है स्टेट्स स्टेट यहाँ पे क्रिया है पॉलिसी के लिए ये नीति बताती है गवर्नमेंट विल एग्जिट कि सरकार जो है वो एग्जिट करेगी ऑल बिजनेस सारे व्यापार को इन नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर जो आ रणनीतिक या गैर रणनीतिक क्षेत्र हैं वहाँ से सरकार बाहर आएगी विद ओनली अ बेयर मिनिमम प्रेजेंस सरकार का कहना है कि हम बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेंगे बहुत कम हमारी उपस्थिति होगी इन फोर ब्रॉड सेक्टर्स चार बड़े क्षेत्रों में सरकार कह रही कि हम कम से कम उपस्थित होंगे अर्थात सरकार अपना रोल कम से कम करेगी और प्राइवेट प्लेयर्स को या प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इसमें लेके आ जाएगी दीज स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स आर और ये जो स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स हैं रणनीतिक जो क्षेत्र हैं जैसे एटॉमिक एनर्जी है स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है डिफेंस रक्षा होता है ट्रांसपोर्ट एंड टेलीकॉम है पार मतलब बिजली ऊर्जा है पेट्रोलियम है कोल एंड अदर मिनरल्स एंड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ सरकार की नीति ये है कि हमारी उपस्थिति कम रहे प्राइवेट प्लेयर्स इस फील्ड में ज़्यादा काम करें इन इंडियाज ब्रीफ बहुत आमूल चूल परिवर्तन जैसे कहते हैं न फंडामेंटल चेंजेस गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस फंडामेंटल चेंजेस इन डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विनिवेश नीति में बहुत बड़े बड़े चेंज ये देखने को इधर बीच मिल रहे हैं एंड दीज आर वेरी चैलेंजिंग एक्शंस टू बी टेकन बाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इंडियाज ब्रीफ व टॉचुअस हिस्ट्री ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट भारत के बहुत ही ब्रीफ और टॉचुअस हिस्ट्री है इसका खास बहुत ही परेशान करने वाला है विवेश नीति का सिंस सिंस इट तब तब से जब से 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 जब जब पे है इसकी शुरुआत हुई लिस्टिंग पी एस यूज ऑन द स्टॉक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को पी एस यूज पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को सूचीबद्ध किया ऑन द स्टॉक मार्केट थ्रू माइनॉरिटी स्टेक सेल्स बहुत कम सेल्स के साथ इन नाइन्टी तो जो डिस इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ वो लगभग उन्नीस के दशक से शुरू हुआ दिस इज अनडाउटेडली अनडाउली दोल्डेस्ट स्टेंस लेकिन ये बेशक अंडाउटी मन निशंदेह है ये सबसे बहादुरी का एक उदाहरण है अभी तक ओल्डेस्ट स्टेंस है इट इज दोल्डेस्ट एग्जाम्पल येट जो इस बार सरकार ने किया ऑन इंटेंट यानी जो उद्देश्य है इसका इंटेंट का मतलब एक तरह से इंटेंशन गवर्नमेंट का जो इंटेंशन है ऑन इंटेंट इट गोज फर्दर अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट सेल ऑफ डजन और पी एस यूज ये उससे भी आगे जाता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने भी एक दर्जन पी एस यूज को सेल किया था बेचा था मतलब प्राइवेट सेक्टर में दे दिया था सरकारी जो इकाइयाँ थी उनको प्राइवेट में दे दिया था और इस बार जो सरकार कर रही वो और भी आगे जाके कर रही है फ्रॉम होटल्स टू रेड मेकर्स और ये जो भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थी बहुत सारी थी क्योंकि हम लोग सरकारी जो यूनिट्स हैं वो होटल्स वगैरह चलाते हैं वो जो है ब्रेड मेकर अपना छोटे से छोटे बड़ा से बड़ा छोटे हमने दे दिया था ये अटल बिहारी वाजपेयी ने दे दिया था लेकिन आज की सरकार ने भी कई सेक्टर जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में अब इसके अलग अलग विचार हो सकते हैं इस पर हम लोग एनालिसिस करेंगे तो अच्छा क्या है बुरा क्या है इसको ऐसे देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहीं कहीं अच्छा माना जाता है जहाँ सरकार वेयर यू फील दैट द गवर्नमेंट इज़ अंडर गोइंग सम लॉसेज इन दैट कंडीशन डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इज टेकन टू बी द राइट स्टेप बट वेनएवर द पब्लिक सेक्टर यूनिट इज इन प्रॉफिट सिचुएशन इवन दो इट इज़ डिस इन्वेस्टेड इट इज़ टेकन टू बी बैड एग्जाम्पल तो फायदे की अगर किसी सरकारी इकाई को बेचा जाएगा तो ये गलत है लेकिन अगर कोई नुकसान में चल रही सरकारी इकाई और प्राइवेट उसको प्लेयर कोई है प्राइवेट इन्वेस्टर कोई इसको अच्छा करता है उसमें अच्छी फंक्शनिंग करता है तो अच्छा माना जाता है कि बहुत ही अच्छा विषय आपको आज मिला है ख़ासतौर से सिविल सर्विसज की तैयारी करते हैं बच्चे उनके पॉइंट से भी काम इंक्लूडिंग बालको एंड हिंदुस्तान जिंक कुछ जैसे कि बालको था हिंदुस्तान जिंक था वीअर द गवर्नमेंट स्टिल हैज रेजिड्यूअल माइनॉरिटी स्टेक्स यहाँ पर सरकार की अवशिष्ट रेजिड्यूल मैंने बची हुई माइनॉरिटी स्टेक्स हैं हल्के फुलके इसके जो है उसमें चेयर हैं उसके दावे हैं उसमें है फियर मच बेटर है फेयर मच बेटर इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया फेयर बेटर मतलब होता है अच्छा परफॉर्मेंस करना अंडर प्राइवेट मैनेजमेंट ऐसा अनुभव आया कि जब बालकों व हिंदुस्तान जिंक को बेचा सरकार ने इसने फिर प्राइवेट मैनेजमेंट के अंतर्गत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इनका प्रदर्शन सुधरा इनका परफॉर्मेंस अच्छा होता गया इट कैन बी नो वंस केस ये किसी और का आ, मामला नहीं हो सकता दैट इंडियाज पब्लिक सेक्टर रिमेन्स भारत का जो पब्लिक सेक्टर है वो बना हुआ है एट द कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकॉनमी यानी आज भी हमारा जो पब्लिक सेक्टर है यानी सरकार का जो क्षेत्र है वो कमांडिंग हाइट्स पर है इकोनॉमी यानी इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में ऊंचाई पर है और कमांडिंग पोजीशन में है मतलब एक से वो डोमिनेट करता है अपार्ट फ्रॉम रेजिंग प्रैस रेवेन्यूज प्रेस रेवेन्यूज बढ़ाने के अलावा अपार्ट फ्राम का होता के अलावा रेज माने बढ़ाना प्रेस माने मूल्यवान रेवेन्यू राजस्व महत्वपूर्ण राजस्व को बढ़ाने के अलावा द सेल यानी बिक्री या क्लोजर क्लोजर माने होता है बंद कर देना किसी सरकारी यूनिट को बंद ही कर देना ऑफ सच फॉर्म ऐसी फॉर्म विल हेल्प ये मदद करेंगे द एक्स चेकर मतलब खजाने का होता तो है खजाना ये खजाने की मदद मिलेगी खजाना स्टॉप थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड और ये बंद करेगा गुड मनी को थ्रो करना एक बुरी चीज के पीछे एंड अनिल इट इनटू मोर प्रोडक्टिव इंडीवर और ये जो गुड मनी है पहले तो हम बैड में करते थे और अब जो इसको हम कहा ले जाएंगे प्रोडक्टिव इंडीवर में प्रोडक्टिव इंडीवर होते हैं कुछ फायदे के कोशिश या प्रयासों में इट्स नॉट क्लियर ये स्पष्ट नहीं है वाई इट टुक द नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन सो लॉन्ग नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना समय क्यों लिया टू आर्टिकुलेट दिस प्लान इस योजना को बताने में और मेक हैडवे या प्रगति करना मेक हेडवे होता प्रगति करना प्रगति करना ध्यान से सुनेंगे तो सारे वर्ड मिल जाएंगे प्रगति करना और मेक हैड प्रगति करने में ऑन दिस फ्रंट इस मोर्चे पर इवन विदाउट सच अ ब्लू प्रिंट बिना ब्लू प्रिंट के एज द पी एम हैड डिक्लेयर बैक इन टू थाउजेंड फोर्टीन उस समय दो हज़ार चौदह में मोदी ने बिना ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट होता है एक तरह का एक एक लिखित प्लान बना लेना तो लिखित प्लान के बिना ही उन्होंने मौखिक बोल दिया था दो हज़ार चौदह में ज द गमेंट हैड नो बिजनेस बींग इन बिजनेस सरकार के पास ऐसा कोई काम नहीं है कि वो बिजनेस में रहे अर्थात सरकार बिजनेस में नहीं रहना चाहती सरकार का काम व्यापार करना नहीं है व्यापार में अपना समय देना नहीं है व्यापार करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स को साथ आगे आना चाहिए सरकार का काम है फैसिलिटेट करना उनको हेल्प करना नाउ दैट द पॉलिसीज़ इन प्लेस अब जबकि ये नीति लागू है इन प्लेस यहाँ पे लागू है ये देखो शब्दों का अंतर देखें आप मजेदार इन प्लेस अब जबकि ये नीति लागू है अब जबकि ये नीति लागू है एग्जीक्यूशन चतुराईपूर्ण क्रियान्वयन एक्टफुल एग्जीक्यूशन विल बी एज क्रिटिकल वो उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना डीलिंग विद यूजुअल पॉकेट्स ऑफ रेजिस्टेंस जितना कि रेजिस्टेंस से निपटना रेजिस्टेंस होता है ग्रोथ क्योंकि विरोध भी बहुत आएगा पॉकेट्स यहाँ पे पॉकेट जेब मत पड़िए यूजुअल पॉकेट्स का मतलब ऐसे कई एरियाज ऐसे कई समूह आएंगे सामने जो ग्रोथ करेंगे वुड क्रॉप अप जो उभर के सामने आएंगे क्रॉप अप होता है इमर्ज उभर के सामने आना ऐसे कई पॉकेट्स या कई लोग कई जगह के लोग पॉकेट्स यहाँ पे बेसिकली सच पीपल हु विल अपोज दिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू बी प्रमोटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारे रजिस्टेंस क्रॉप अप करेंगे सामने उभर के आएंगे वायल स्टॉक मार्केट्स आर ऑन अ हाई अभी जबकि हमारा स्टॉक मार्केट अ हाई है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस पर है द फाइनेंशियल कैपेसिटी टू पोटेंशियल ब्रिडर्स जो वित्तीय क्षमता है किसकी पोटेंशियल बिडर्स की यानी मजबूत नीलामी लगाने वाले लोगों की मे नॉट बी ऑप्टीमल हो सकता कि अधिकतम ना हो थैंक्स टू का यहाँ पे मतलब पढ़ेंगे के कारण से थैंक्स टू पैंडेमिक महामारी के कारण ऐसा हो सकता है कि ब्रिडर्स बहुत अच्छे सामने ना आ पाएँ जैसे हमने कोई सरकार की यूनिट बेचना है और हमें अगर बिडर्स चाहिए नीलामी लगा बोली लगाने वाले लोग तो प्राइवेट क्षेत्र के लोग इस वक्त चूँकि पैंडेमिक से गुजर के निकले हैं तो मे बी कि उतनी अच्छी हमारी ऑप्टीमल बिडिंग ब्रिडिंग नहीं होगी फिर भी सरकार इस इन्वेस्टमेंट को लेकर सीरियस हो चुकी है अमंग इट्स मल्टीपल चैलेंजेस इसकी कई चुनौतियों के बीच द गवर्नमेंट विल नीड टू क्रिएट कॉन्फिडेंस सरकार को ज़रूरत पड़ेगी द गवर्नमेंट विल नीड जरूरत पड़ेगी टू क्रिएट कॉन्फिडेंस विश्वास बनाने की इन द सेल प्रोसे प्रक्रिया में बिक्री प्रक्रिया में विश्वास बनाने की आवश्यकता पड़ेगी इंश्योर अम्बेलेंस ऑफ फेयर वैल्यूएशन और इन्हें सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को कि एक फ़ेयर वैल्यूएशन हो इसमें पूरा सैमलेंस ऑफ फेयर वैल्यूएशन हो गिव ऑफिस ऑफिसर्स को कुछ कवर मिले फ्रॉम तो पोटेंशियल पोस्ट ट्रांजेक्शन बहुत ही मजबूत पोस्ट ट्रांजेक्शन से विच हॉन्स बाई ऑडिटर्स जो कि परेशान करता है जिसमें परेशान होते हैं बाई ऑडिटर्स एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक विच हंट का काम करता है विच हंट करता है मतलब से आपको परेशान करना है टॉर्चर करने का काम करता है ऑडिटर्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सिक्वेंस द सेल यहाँ पे सेल का सिक्वेंस भी रखना होता है सो दैट द इकोनॉमी डज नॉट फेस ताकि अर्थव्यवस्था को सामना ना करना पड़े स्टॉक्स झटके और क्रिएट मोनोपोलीज या फिर ऐसा ना हो जाए कि एक अधिकार ही बन गया मोनोपोली हो गई एंड मोस्ट ऑफ ऑल और मैं सबसे प्रेशर को भी मैनेज करना है क्योंकि जिन जगहों पर लोकेटेड होंगी वहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रोल प्रेशर भी रहता है चुनावी दबाव भी रहता है सिंगल कॉन्ट्रोवर्सियल ट्रांजेक्शन एक विवादास्पद जो ट्रांजेक्शन हुआ या या एक भी विवादास्पद अगर ट्रांजेक्शन होता है कुड कटल द मोमेंटम गति बिगाड़ सकता कटल द मोमेंटम गति को बिगाड़ देना बिहाइंड सच अ प्लान ऐसी योजना के पीछे एंड इंडिया कैन इल अफोर्ड इट भारत इसे फिर झेल नहीं सकता या बहुत बुरे तरीके से भारत को झेलना पड़ सकता इल अफोर्ड करना मतलब मुश्किल से झेलना काफ़ी कष्ट से परेशानी से झेल जाना इस तरह से भारत को बहुत मुश्किल होगी इसको झेलने रि स्टूडेंट्स दिस वॉज अ पीस ऑफ एन एडिटोरियल फ्रॉम द हिंदू अब मैं एक और बड़ी कोई औचक सी जानकारी के साथ आऊंगा कि ये लाइव बने रही आप लोग तो मैं आपको डेंजर्स ऑफ हार्ड कोई एक सिंपल सी न्यूज़ लेते हैं जो आपको पॉस्को डजन बुक डाइल्यूशन तो उसको आपने सुना होगा एक जस्ट वेट हाँ ये पढ़ाते हैं आपको दीप दीप सिद्धू अरेस्टेड ओवर रेड फोर्ट वैंडलिज्म एक अभी किसान आंदोलन जब चल रहा था दिल्ली में तो लाल किले पर बहुत सारी तोड़फोड़ हुई उसमें एक मेन अक्यूज था दीप सिद्धू इसको गिरफ्तार कर लिया गया है ये वैंडलिज्म में शामिल था वेंडलिज्म तोड़फोड़ वैंडलिज्म कैसे पढ़ोगे तोड़फोड़ के सेंस में आप वेंडलिज्म कस्टडी वॉज रिक्वायर्ड इसकी हिरासत की जरूरत थी कस्टडी मतलब हिरासत अरेस्ट वॉज रिक्वायर्ड जरूरी थी आवश्यक थी रिक्वायर्ड थी टू आइडेंटिफाई अदर अक्यूज दूसरे आरोपियों की पहचान करने के लिए दूसरे आरोपियों की पहचान करने के लिए इन केस मामले में हिच कस्टडी यहाँ सब्जेक्ट है वाइस का सेंटेंस है और क्यों जरूरी थी आइडेंटिफाई अदर अक्यूज यहाँ पे पर्पज एडवर्व है और इन द केस आपका जो है ही एडवर्बियल फ्रेज है तो दो द एडवियल फ्रेज है सब्जेक्ट आपका हिच कस्टडी है, है वॉज रिक्वायर्ड आपका पास्ट पैसिव स्ट्रक्चर को आप ठीक से समझते रहिए मेरा टारगेट है सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपके सामने समझ में है पावर स्टार रेस्ट ओवर प्रोपोजिशन वाह गुड 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 ये बच्चे देखो क्या रिएक्शन जा एक बार मैं सबके रिएक्शन ले लेता हूँ फटाफट फड़। बच्चों में थोड़ा सा रिएक्शन कम ले रहा था पढ़ाने में इन्वॉल्व था एम्बुलेंस का मतलब ये कह रहे हैं हाँ नोट डाउन एवरी पॉइंट यस यस नोट डाउन एवरी अरेस्ट ओवर ये सब के सब पॉइंट्स आप नोट डाउन करेंगे प्यारे बच्चों सारे शब्द को आप नोट डाउन कर लेंगे अदर स्टूडेंट्स का जो है कोई क्वेश्चन हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं आप लेकिन आप लाइव रहिए कमेंट करते रहिए तभी मुझे पता चलेगा कि आप को तो प्रॉब्लम क्या है आप लाइव रहिए तभी पता चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है एक बार आप लोग कमेंट करके बता दें कि आप तक हमारी आवाज ठीक से जा रही है आप कनेक्ट हो रहे हैं आपको ठीक से चीजें मिल रही या नहीं मिल रही हैं तभी हम लोग आगे बढ़ें ये बच्चे कौन कौन कमेंट किए जरा देखें इनको एक बार मेक हैड वे मतलब पेप द वे बिल्कुल पवन पटेल सही थे आप पवन पटेल बिल्कुल सही है सर पेड़ बैच की जानकारी कहाँ मिलेगी कोई पेड़ बैच नहीं है अभी इसमें सर प्रणाम खुश रहिए पवन जी का ज़्यादा कम्युनिकेशन तो है इसमें पूरा और पवन के ही ज़्यादा क्वेश्चन हैं पवन ने ही पूछा सेम्बलेंस क्या होता सेम्बलेंस होता सा सिमिलैरिटी एक जैसा सेम्बलेंस को क्या पढ़ोगे सादृशिता सिमिलैरिटी एक जैसा चलिए द पुलिस हैड अनाउंस पुलिस ने अनाउंस किया है अ कैश रिवॉर्ड नगद पुरस्कार ऑफ रुपीज़ वन लैक फॉर इन्फॉर्मेशन सूचना के लिए किसके लिए नाम दिया सूचना के लिए कैसी सूचना यहां इंफॉर्मेशन नाउन हो गया बाद लीडिंग से लेकर कैसी सूचना सिद्धू के अरेस्ट तक ले जाने वाली सूचना सिद्धू के अरेस्ट को करवाने वाली सूचना इस सेंस में आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज यहां पर आया है लीडिंग टू मिस्टर सिद्धूज अरेस्ट अब आगे देखना आपको मैं स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा बताऊंगा फिर मीनिंग बताऊँ पहले स्ट्रक्चर बताता हूँ ऑन फेबर सेवन आपका यहाँ पे एडवर्ब है टाइम एडवर्ब है द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है द पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट है ये आपका एडवर्ब है सैड आपकी मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म है फास्ट एंड डेफिनेट का वाक है पिक्चर्स ऑफ ओवर सेवेंटी पीपल इन्वॉल्व इन द वायलेंस ये एक नया सेंटेंस यहाँ से चालू हो गया जिसमें पिक्चर्स आपका यहाँ पे असली सब्जेक्ट है पिक्चर कैसी तो वो है लगभग सात सौ से ज़्यादा लोगों की लोग कौन से इन्वॉल्व इन द वायलेंस इन्वॉल्व इन द वायलेंस एब्जेक्टिव फ्रेज है पीपल का और ओवर सेवेंटी पीपल ये एब्जेक्टिव फ्रेज है पिक्चर्स का जब दो दो एडजेक्टिव एब्जेक्टिव फ्रेज हैं तो या तो छोटा छोटा सेंटेंस बना लो या पीछे से पढ़ दो यानी कि सत्तर लोगों की तस्वीरें जो वायलेंस में शामिल थे हैड बीन रिलीज्ड वो तस्वीरें रिलीज कर दी गई सत्तर लोगों की तस्वीर को मीडिया में डाल दिया गया है एंड वन ट्वेंटी सिक्स परसेंट और एक सौ छब्बीस लोग गिरफ्तार किए गए तो फार का मीन्स होता है अब तक अब तक एक सौ छब्बीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है इन्वॉल्व इन पर क्वेश्चन बन चुका है हाँ बिल्कुल इन्वॉल्व इन क्वेश्चन बना हुआ है इन्वॉल्व के साथ प्रापोजीशन को नोट करेंगे आप एकदम नोट करेंगे कुछ बच्चे और कमेंट करिए लाइव की संख्या बहुत कम रहती है इसलिए तो मज़ा नहीं आता अदरवाइज हम लोग बहुत पढ़ाने का मन करता आप लोगों को बट आप लोगों की अगर आप लोग साथ दे दें तो ऑन ऑनलाइन आँ, हम लोग अक्सर क्लास लेंगे और एक टाइम भी निश्चित कर लिया वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक हमारा ऑनलाइन क्लास चलेगा लगभग नौ चालीस को रात में जो दस बजकर बीस मिनट तक या दस बजकर दस मिनट तक चलेगा तीस मिनट का एक क्लास न्यूज़पेपर का डेली फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा आप लोगों को मतलब तो किसी दिन गैप हो जाए कोई समस्या आ जाए अलग है लेकिन ज्यादातर कोशिश रहेगी कि एक आपको न्यूज न्यूज पढ़ाते रहे अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड मिस्टर सिद्धू वॉज सीन एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि मिस्टर सिद्धू को देखा गया इन सेवरल वीडियोज कई वीडियोज में एंड सी सी टी वी रिकॉर्डिंग ऑफ द रेडफोर्ड वायलेंस रेडफोर्ड वायलेंस हुआ उसमें और क्या लिखा ऑप्टेंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज और ये तस्वीरें वेरियस सोर्सेज से ये जो इनकी जानकारी वेरियस सोर्सेज से इसमें लिखी राजेश जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन एन एफ आई आर एक एफ आई आर भी रजिस्टर की गई है रजिस्टर रजिस्टर एट कोतवाली पुलिस स्टेशन में की गई है एंड इट वॉज लेटर ट्रांसफर टू और ये जो एफ आई आर है इसको बाद में ट्रांसफ़र कर दिया टू द क्राइम ब्रांच क्राइम ब्रांच के लिए और किस लिए ट्रांसफ़र कर दिया फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे की जांच के लिए इन मोबाइल फुटेज मोबाइल फुटेज में भी ही एंड अदर्स सीन वो और अन्य लोग देखे गए थे इंस्टीगेटिंग मैंने भड़काते हुए प्रोवो प्रो प्रोवोकिंग मॉव भीड़ को उकसाते हुए भड़काते हुए देखे गए इंस्टीगेट भड़काना उकसाना प्रोवोक करना भीड़ को और क्या उकसा रहे थे क्या भड़का रहे थे टू एंटर रेड फोर्ड रेड फोर्ट में जाइए एंड हॉइस्ट रिलीजियस फ्लैग और धार्मिक झंडे को फहराइए मतलब फहराना धार्मिक झंडे को फहराइए ऐसा भड़का रहा था सिद्धू और उसके साथी पुलिस सेट पुलिस का कहना है या पुलिस ने कहा ही वॉज डिटेन्ड फ्रॉम द कार्नाल हाईवे इसको गिरफ्तार किया गया डिटेन भी होल्ड गिरफ्तार करने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया करनाल हाईवे हरियाणा से वैन ही वॉज अबाउट टू बोर्ड अ कार जब वो एक कार में सवार होने वाला था वो स्केप टू बिहार बिहार भागने के लिए बिहार जाने के लिए वो कार में सवार होने वाला था तभी गिरफ्तार कर लिया गया कहाँ जाने वाला था बिहार वेयर इज वाइफ इज स्टिंग जहाँ उसकी पत्नी रुकी हुई है जहाँ उसकी पत्नी रुकी हुई है यानी बिहार में उसकी वाइफ भी है ही क्लेम्ड दैट उसने दावा किया ही वॉज हाइडिंग एट वेरियस लोकेशंस उसने कहा कि हम कई लोकेशंस में छिपे हुए थे हाइडिंग में थे कई लोकेशंस में हाइडिंग में थे छिपे हुए थे हरियाणा पंजाब में आफ्टर जनवरी ट्वेंटी छब्बीस जनवरी के बाद यानी कह रहा कि 26 जनवरी को कई जगह पर रुके हुए थे म्ड इन द वायलेंस उसके बाद जब इसका नाम वायलेंस में आया ही रिकॉर्डेड उसने रिकॉर्ड किया ही रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज उसने वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किए विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों की सहायता से एंड द वीडियोज व अपलोडेड ऑन सोशल मीडिया साइट्स और ये वीडियो सोशल मीडिया साइट पर अपलोड किए गए टू हिज फ्रेंड उसके मित्र के द्वारा हुईज इन द यू एस जो कि अमेरिका में उसका फ्रेंड कहाँ पर है अमेरिका में संजीव यादव डी सी पी स्पेशल सेल सेड संजीव यादव जो डी सी पी वहाँ उन्होंने कहा कि ही फर्स्ट केम टू सिंधु बॉर्डर ऑन नवंबर ट्वेंटी फाइव वो पहली बार सिंधु बॉर्डर पर नवंबर ट्वेंटी फाइव को आया था वेयर ही टो रूम रें ऑन रेंट जहाँ उसने एक कमरा लिया था ऑन रेंट किराए पर एंड अरेंज्ड अ टेंट फॉर हिमसेल्फ और खुद के लिए एक टेंट की भी व्यवस्था उसने की थी ही क्लेम्ड दैट उसने दावा किया कि ही एंटरड इन द मोवमेंट कि वो मोवमेंट में एंटर किया शामिल हुआ आफ्टर ही गॉड कैरीड अवे जब वो कैरीड अवे बाई फार्मर्स प्रोटेस्ट जब किसानों के विरोध प्रदर्शन से वो प्रभावित हो गया था यहाँ कैरीड अवे प्रभावित होना मूव प्रभावित होना ड्यूरिंग इनिशियल डे शुरुआती दिनों में इनिशियल डे शुरुआती दिनों में ऑफ द प्रोटेस्ट बैक इन पंजाब प्रोटेस्ट से हाँ क्लेम के बाद दैट भी क्वेश्चन एरिया है ही वॉज इन टच विद एक फ्रेश छोटा सा नोट करें इन टच विद के संपर्क में तो वो किसानों के संपर्क किसान नेताओं के भी संपर्क में था इन टच विद जैसे यू आर इन टच विद मी तो मेरे संपर्क में हो लीडर्स बट ही डिटैचड हिमसेद अब देखो डिटैच के बाद एक आता है डिटैच सम्बडी फिर आगे फ्रॉम ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द हम उसने खुद को उनसे अलग कर लिया वैन ई फाउंड जब उसने पाया कि लीडर्स बर सॉफ्ट के नेता जो है वो बड़े नरम है विद द पुलिस पुलिस के साथ देअर आफ्टर उसके बाद ही अडरेस्ट उसके बाद उसने संबोधित किया अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड प्रोटेस्ट एक ही सोच रखने वाले प्रदर्शनकारियों के समूह को एंड प्लान टू टेक अ ट्रैक्टर परेड फिर योजना बनाई कि वो ट्रैक्टर परेड करेगा टू तो इंडिया गेट बट ड्यू टू हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट लेकिन ड्यू टू मतलब बट लेकिन ड्यू टू मैंने के कारण भारी पुलिस बल की तैनाती डिप्लॉयमेंट क्या तैनाती भारी पुलिस बल की तैनाती के कारण ही मूव्ड टू रेड फोर्ड वो चला गया लाल किले पर कहा गया लाल किला ऑन जनवरी ट्वेंटी सेवन सत्ताईस जनवरी को ही वो सीन उसे देखा गया था रनिंग अवे फ्रॉम सिंधु बॉर्डर सिंघू बॉर्डर सिंघू बॉर्डर से उसे भागते हुए देखा गया था वो सीन रनिंग अवे फ्रॉम तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट दीप सिद्धू हु वॉज द मैन अक्यूज इन वैंडलिज्म कुलदीप प्रजापति जी हैं हमारे साथ पवन पटेल जी हैं यस यस देर आफ्टर के बाद है तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे हमारे साथ हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने हमारे साथ लाइव होकर हमें समय दिया इस वीडियो को यहाँ क्लोज करेंगे फिर एक वीडियो बनाएंगे न्यूज़ पेपर पर द हिंदू न्यूज़ पेपर का या किसी भी पेपर पे और आपके सामने न्यूज़ पेपर के बीच बीच में वीडियोज आपके आते रहेंगे थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए और उनसे पूछेगा कि आपको जो पढ़ाया गया या जो सब ने समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया प्लीज़ थोड़ा हेल्प करते रहिए धीरे धीरे बच्चों के बीच में एक नेटवर्क बन जाएगा फिर हम लोग ऑनलाइन अच्छा काम कर सकते हैं और ऑफलाइन में जिस तरह से आप लोगों के साथ बहुत मेहनत से काम करते हैं मुझे पूरा भरोसा है कि ऑनलाइन भी हम लोग अच्छा काम करेंगे और बच्चे उससे लाभान्वित होंगे थैंक यू वेरी मच नाइस टाइम टेक केयर हैव अ वेरी नाइस डे